Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Karishma and today through this video I am going to share my delivery journey with epidural. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एपिड्यूरल ये टर्म आपने आजकल सुनी होगी, जिसके लिए कहा जाता है कि पेनलेस डिलीवरी अगर आपको चाहिए नॉर्मल में तो यू कैन यूज़ दिस एपिड्यूरल एंड हैव अ स्मूथ डिलीवरी. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी, माई डिलीवरी जर्नी. एंड येस, मैंने जो था एपिड्यूरल की हेल्प से अपने बेबी बॉय को डिलीवर किया था. और सब कुछ कैसा था, क्या था, सब कुछ सुनाने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी थोड़ा बैक से, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे बेबी की डिलीवरी हुई थी वो कंप्लीट 9 मंथ्स में नहीं थी, ना ही मुझे नॉर्मल लेबर पेन्स हुए थे. जो जल्दी डिलीवरी करने का रीज़न था वो था, लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू दैट थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव दिस इशू ऑफ ब्लड फ्लो. तो 3rd मंथ से वो इशू मुझे शुरू हो गया था. 5 तक बढ़ते बढ़ते 7 तक आते आते वो इशू बढ़ता ही जा रहा था. तो डॉक्टर्स का कहना था कि आप इस बेबी को निकाल लीजिए 7 मंथ में. तो हम लोग बहुत अपसेट हो गए, 3 से 4 हॉस्पिटल्स हम लोग गए, हम लोग 40 तक भी गए, बट कहीं समझ नहीं आया कुछ. लास्ट में दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, रेनबो हॉस्पिटल, विच वॉज एक्चुअली न्यू दैट टाइम. तो वहाँ पर कंसल्ट किया, वहाँ एक लकीली बहुत ही अच्छे डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई, जिसने हमें मेरी प्रेगनेंसी को 7 मंथ से 8 मंथ तक खींचा. एवरी वीक मेरे स्कैन्स होते थे, कलर डॉपलर, जिसमें हम लोग बेबी का सब कुछ चेक करते थे, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है. हाउ एवर, इवन टिल द 8th मंथ मेरे बेबी का वेट बहुत कम था. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इट वॉज 2.3, बट जब वो बॉर्न हुआ तो 2.1 उसका वेट था एक्चुअली. यस, तो वन डे व्हाट हैपन एक्चुअली 8 मंथ एंड फ्यू डेज ऊपर हुए थे, 4 to 5 डेज मैक्सिमम, एंड आई हैव स्टार्टेड आई फेल्ट लाइक कि मेरे को मूवमेंट नहीं हो रही है. तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है. तो आई जस्ट वेंट टू द डॉक्टर नेक्स्ट डे एंड दे डिड अल्ट्रासाउंड, एंड अल्ट्रासाउंड में भी उनको मूवमेंट नहीं दिख रही थी. उसके बाद एक दूसरा इक्विपमेंट होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें वो लोग चेक करते हैं कि बेबी अंदर हैप्पी है या स्ट्रेस में है, हार्ट बीट वगैरह के थ्रू. और वो कुछ 20-25 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जो वो लगा के रखते हैं, मशीन ऑन करते हैं और उससे वो चेक कर लेते हैं. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बेबी अंदर ठीक है, इट्स अ हैप्पी बेबी. हाउ एवर, इन अल्ट्रासाउंड ही इज़ नॉट मूविंग. इवन उन लोगों को भी कुछ दिखा नहीं था मूवमेंट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब कर लेते हैं डिलीवरी. तो सेम डे जब मैं ये दिखाने के लिए गई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइक सीधा डिलीवरी रूम में ही चले जाऊँगी मैं, बट यस ऐसा हुआ. मैं मॉर्निंग में गई थी एंड दिखाया, सब कुछ हुआ, होते होते दोपहर हो गई थी. दोपहर तक फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाइए आज एंड डिलीवरी कर देते हैं. और मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे बेबी का ब्लड फ्लो का इशू था, तो मैंने लंग्स को डेवलप करने के लिए पहले से ही कुछ इंजेक्शन्स ले लिए थे, जिससे मेरी बेबी के लंग्स 8th मंथ तक भी कम्प्लीटली डेवलप थे. देर वॉज नो सच इशूज इवन आफ्टर डिलीवरी. माई बेबी वॉज अ हेल्दी बेबी एक्चुअली. एंड यस, तो शुरू करते हैं एपिड्यूरल की कहानी. मेरे डॉक्टर से पहले ही ये चीज़ बात हो चुकी थी कि डॉक्टर मैं जैसे मुझे पेन होगा तो मुझे आप एपिड्यूरल देना इंस्टीड ऑफ ऑपरेशन. कई बार क्या होता है, गर्ल्स ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल डिलीवरी का पेन होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, एंड नेचुरल पेन फिर भी इतना एक्सट्रीम नहीं होता जितना कि आपको इंड्यूस किया हुआ पेन होता है. इन माई केस ऑब्वियसली लेबर पेन्स तो स्टार्ट हुए नहीं थे, तो मुझे इंड्यूस किया गया था पेन. एंड तो मेरा जो वो पेन था, मैं पहले से ही डिसाइडेड थी एपिड्यूरल के लिए, मैंने पहले से ही गूगल वगैरह से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी दैट इज इट हार्मफुल और नॉट, और लाइक क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैन वी डिलीवर अ बेबी विद एपिड्यूरल. सो मैंने सारा नॉलेज तो पहले ही ले लिया था उसके लिए, और अपने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि भाई मुझे नहीं बर्दाश्त होगा, मुझे पता है, तो आप ये यूज़ कर लेना, क्योंकि ऑपरेशन से अच्छा है मैं ये करा लूँ. गर्ल्स पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसके लिए कई बार वो ऑपरेशन वाले मेथड पे भी चले जाती हैं अपनी इच्छा से. बहुत सी गर्ल्स हैं मेरे खुद के नॉलेज में हैं जो जिन्होंने ऐसा किया है. तो मैंने सोचा ऑपरेशन से तो अच्छा है वही करवा लो, बात तो वही है, उसमें भी पीछे इंजेक्शन लगना है, मतलब स्पाइनल में, और ऑपरेशन में भी लगना ही है एनेस्थीसिया आपको, तो बेटर है कि भाई पेट कटने से बच जाएगा, राइट. तो मेरा ये डिसीजन था. उसका कॉस्ट उसने बताया था डॉक्टर ने कि एक इंजेक्शन का 10,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा इफ़ यू विल टेक एपिड्यूरल. आई वॉज ओके विद दैट, कि एटलीस्ट चल पेन से तो मैं बचूंगी. तो शुरू हुआ, मैं शाम को एडमिट हुई थी. शाम को खाने के लिए कुछ नहीं, हल्का सा खिचड़ी दिया उन्होंने, खाना पीना बंद कर देते हैं वो लोग जस्ट बिफोर वन डे डिलीवरी. एंड
पहला उन्होंने कुछ जेल वेल लगाया, जेल लगाते हैं पेन इंड्यूस करने के लिए। उसके बाद कुछ इंजेक्शंस भी दिए उन्होंने, इंजेक्शंस के थ्रू उन्होंने कुछ मेडिकेशन अंदर डाला जिससे कि पेन स्टार्ट हो। मॉर्निंग 4 o'clock होते होते मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे। 4 o'clock जो पेन थे वो बेयरेबल थे, मैं बेयर कर पा रही थी, 7 तक भी बेयर कर पा रही थी। उसके बाद जो पेन स्टार्ट हुए 7 to 9, आई कुडंट टॉलरेट देम। मैंने जो चिल्लाना शुरू किया, सारा हॉस्पिटल सिर्फ यही देख रहा था कि कौन चिल्ला रहा है ऐसे बच्चों की जैसे। लेकिन वो पेन बहुत एक्सट्रीम था। पेन क्या, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, मतलब एक एकदम से आएगा पेन पूरा बैक में, स्पेशली बैक जो ये एरिया होता है ना, हिला देता है उसको। कुछ सेकंड्स के लिए आता है, फिर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था मेरे केस में, टाइमिंग मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट लेकिन काफ़ी फास्ट था। चिल्ला चिल्ला के मैंने सबकी हालत ख़राब की हुई थी बहुत ज़्यादा। एंड देन 9 बजे उन्होंने फिर चेक किया कि भाई कितना ओपन हुआ है, नहीं हुआ है। 9 बजे तक तो मैंने पूरे पेन लिए, उसके बाद मैंने बोला अब एपिड्यूरल लगा लो, मुझसे नहीं हो रहा है। डिलीवरी से कहते हैं कि 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको एपिड्यूरल लेना चाहिए। तो यहाँ अगर आप एपिड्यूरल लेते हो, इस केस में आपको क्या है कि एपिड्यूरल लेने के मिनिमम 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर अंदर आपको डिलीवरी करनी होती है, अदरवाइज इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं विच आई डोंट नो रियली। एंड 9 बजे जो है मेरा पेन एक्सट्रीम था, मैंने एपिड्यूरल लिया। जैसे ही मैंने एपिड्यूरल लिया, आई वॉज सो काम एंड हैप्पी इन द लेबर रूम। कुड यू बिलीव दैट इन लेबर रूम समबडी कैन बी सो काम? आई वॉज सो रिलैक्स्ड, देर वॉज नो सच पेन। बट येस, आई कैन फील द कॉन्ट्रैक्शंस। आई हैव सीन अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर द गर्ल मैंशनड लाइक शी हैज नॉट शी सेड लाइक आफ्टर टेकिंग एपिड्यूरल कोई पेन ही नहीं थे। बट इन माई केस आई एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। मेरे केस में एपिड्यूरल लेने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शंस पता लग रहे थे कि अब पेन आ रहा है, बिकॉज आपको उसी टाइम पर पुश करना होता है। एंड आफ्टर 3, 4, 5 पुश आई थिंक मैंने किए होंगे, माई बेबी वॉज आउट। एंड 3, 4, 5 पुशेज में ही मेरा बेबी आउट हो गया था। एंड एक्चुअली ही वॉज 2 kg ओनली, 2 or 2.1, दैट इज़ वाई मे बी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई उसको डिलीवर करने में। हाउएवर बाद में उसको शुगर का थोड़ा सा इशू था, तो NICU में 1 day उन्होंने एक्स्ट्रा रखा था बेबी को, उसके साथ मुझे भी रहना पड़ा था ऑब्वियसली। नॉर्मल में जहाँ 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है, मेरी 3 से 4 दिन में हुई थी, 1 या 2 दिन कुछ एक्स्ट्रा मेरे बेबी को रखा था शुगर की वजह से, उसका शुगर कम था। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने हंसते हुए बेबी को जन्म दिया था। एंड देने के बाद मैं उठ के बैठ गई थी, विच इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली, बैठती नहीं है कभी भी, बट आई वॉज सो हैप्पी, आई डिड नॉट क्राई। आई डिलीवर हिम वेरी हैप्पीली विद अ गुड स्माइल ऑन माई फेस, देर वॉज नो सच पेन इन माई आईज, बिकॉज ऑब्वियसली एपिड्यूरल का असर इतना था कि मतलब बेबी डिलीवरी वाला सीन तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया। उससे पहले लेकिन बहुत पेन्स आए थे, वो अनबेरेबल थे, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर दैम। एंड या इट वॉज horrible experience. If you want to go for a normal delivery, there is not a very easy process, it's very painful, very painful, but after taking epidural you can reduce the amount of your pain, trust me, it is helpful. If you want to go for that you can go, because I personally don't feel such side effects of that epidural, I did not see. तो अगर आपको भी लगता है कि एपिड्यूरल आपको लेना है, नॉर्मल डिलीवरी करनी है बिना पेन के, तो आप भी कर सकते हो। हाउ एवर आई एम अगेन प्रेगनेंट एंड इट्स माय 6th month रनिंग, एंड सो मे बी आफ्टर थ्री मंथ्स अगेन आई एम गोना शेयर माय डिलीवरी स्टोरी विद यू। सो या, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।